नमस्कार दोस्तों, सांगवान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एलडीसी एफिशिएंसी हिंदी टेस्ट सीरीज के आठवें वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ को मल्टीपल लाइन स्पेसिंग 4 पॉइंट दीजिए। ये प्रथम पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आप पैराग्राफ को यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है, और मल्टीपल स्पेसिंग, यहाँ से लाइन स्पेसिंग में मल्टीपल स्पेसिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कितना देना, फोर, तो यहाँ फोर टाइप कर देंगे। फोर टाइप करके आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ देखो मल्टी स्पेसिंग 4 पॉइंट में आ गया। उसके बाद में सेकंड पैराग्राफ है, द्वितीय पैराग्राफ को टोंगल केस फॉर्मेटिंग प्रदान कीजिए। द्वितीय पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ फॉन्ट के अंदर केस में जाएंगे और टोंगल केस पे क्लिक करके ये टोंगल केस इफेक्ट दे देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए डॉक्यूमेंट में भारतीय गणतंत्र वाटरमार्क हरे रंग में दीजिए। डॉक्यूमेंट में आपको एक वाटरमार्क डालना है जहाँ पे टाइप करना भारतीय गणतंत्र। इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। जो ही आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वाटरमार्क की एक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ से आप पिक्चर वाटरमार्क और टेक्स्ट वाटरमार्क दे सकते हैं। क्वेश्चन में केवल टेक्स्ट वाटरमार्क डालने की बात हुई है, तो यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में टेक्स्ट जो भी है उसको यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ से आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है हिंदी का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हिंदी का फॉन्ट आपका ये देवली 010, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको टाइप करना है भारतीय गणतंत्र वाटरमार्क, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है ये आपको टाइप करना है, तो इसको मैं टाइप करता हूँ। भारतीय गणतंत्र मैंने टाइप कर दिया, और इसका कलर होना चाहिए दोस्तों ग्रीन। तो यहाँ पे जाके आप उसको ग्रीन करोगे और अप्लाई करोगे, क्लोज करोगे, तो आप देखेंगे भारतीय गणतंत्र आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वाटरमार्क के रूप में आ गया। देखिए दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, दिए गए डॉक्यूमेंट के अंत में साधारण टेक्स्ट बॉक्स बनाइए व उसकी टेक्स्ट रैपिंग टाइट कीजिए। साधारण टेक्स्ट बॉक्स बनाना आपको अंत में, तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पे लास्ट में आके आपको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, इसको बोलते हैं साधारण टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है दोस्तों। इस पर क्लिक कर देंगे, आ गया दोस्तों। इसकी टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके इसको कौन सी कर देंगे, टाइट, ये टाइट कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में दिए गए सभी अंकों को स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए। तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी अंक है सबसे पहले उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, एडिटिंग में जाएंगे, फाइंड में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आप किस पे क्लिक करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में स्पेशल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एनी डिजिट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एनी डिजिट करके फाइंड पे क्लिक करके मेन डॉक्यूमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी अंक है वो सभी सेलेक्ट हो गए। उसको कौन सा देना है, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, तो यहाँ पे जाके आप उसको स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपके नंबर थे इस पे स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट लग गया। उसके बाद में दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ के बाद टेबुलर लिस्ट बनाइए वह टेबुलर लिस्ट की शेडिंग लाल रंग से कीजिए, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ, तो सबसे पहले तीसरे पैराग्राफ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये 1 2 ये 3, ये 3 है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा पैराग्राफ है मेरा, इस तीसरे पैराग्राफ पे आपको करना क्या है, ठीक है दोस्तों, इस तीसरे पैराग्राफ पे आपको क्या करना है, इसके बाद टेबुलर लिस्ट बनाइए, इसके बाद में, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में आ गए, टेबुलर लिस्ट बनाने के लिए आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, क्विक टेबल में जाके आपको यहाँ टेबुलर लिस्ट नजर आएगी, इस पर क्लिक कर देना आपको, ठीक है दोस्तों। ये टेबुलर लिस्ट बन गई, ठीक है, और इसका शेडिंग कलर लाल करना अपने को। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, शेडिंग पे जाएंगे, और यहाँ से देखिए दोस्तों,
पहले टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका शेडिंग कर देंगे लाल। ठीक है दोस्तों, इस तरह की शेडिंग इसकी लाल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में प्रीसेट कलर डेजर्ट भरिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जो जो पेज का कलर है उस पे जाएंगे, तो पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में पेज कलर पे क्लिक करेंगे या फिर फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में फिल इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद में प्रीसेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे, डेजर्ट, ये डेजर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डेजर्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको केवल यहाँ से ओके करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये प्री सेट कलर डेजर्ट आपके डॉक्यूमेंट में भर गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टेबल की तृतीय कॉलम के सेल्स के डेटा को द्वितीय टेबल में दाई तरफ एक कॉलम इंसर्ट करके उसे टाइप कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको टेबल पे जाना है। ये टेबल आ गई मेरे, इस वाले कॉलम के डेटा को इधर एक राइट में कॉलम इंसर्ट करना है और उसमें टाइप करना। तो आप सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आ जाइए, लेआउट पे क्लिक करिए, इंसर्ट राइट करिए। तो इस तरीके से आपके सामने ये कॉलम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने कॉलम आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉलम आ गया। आपको इधर ये वाली चीजें टाइप करनी है, तो मैं टाइप कर देता हूं एक बार। दोस्तों यहां से स्ट्राइक थ्रू में हटा देता हूं एक बार। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ये इसको टाइप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेबल के द्वितीय रो के डेटा का फॉन्ट का कलर लाल कीजिए। टेबल के द्वितीय रो, ये टेबल है मेरी, इसके द्वितीय रो, इसके डेटा को कलर चेंज करना है और कलर क्या करना है, लाल करना है। तो यहाँ पे जाके इसको लाल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, टेबल के छठवें कॉलम को पीले रंग से हाईलाइट कीजिए। छठवें कॉलम को 1 2 3 4 5 6, ये छठा कॉलम है, इसको पीले कलर से मेरे को हाईलाइट करना था, पीले कलर से मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। 11वां क्वेश्चन है, छठवें पैराग्राफ में नीले रंग से अंडरलाइन कीजिए, लेकिन केवल शब्दों पर, स्पेस पर नहीं। कौन से पैराग्राफ पे, छठे पैराग्राफ पे। तो इसके लिए आप छठे पैराग्राफ पे जाएंगे। देखिए दोस्तों, छठा पैराग्राफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6, ये छठा पैराग्राफ है। ठीक है, इस छठे पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, लेकिन शब्दों पर नहीं। तो आप इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट को ऐसे ऑन करोगे। ऑन करने के बाद में आपको करना क्या है, ओनली वर्ड्स पे क्लिक करना है, अंडरलाइन ऑप्शन स्टाइल में जाके ओनली वर्ड्स करना है। ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे केवल शब्दों पर अंडरलाइन हुई है दोस्तों। ठीक है, देखो स्पेस को इसने छोड़ दिया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, चौथे पैराग्राफ के डेटा को तीन कॉलम वाली टेबल में सेट करिए। इसके लिए आप सबसे पहले चौथे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये चौथा पैराग्राफ है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में टेबल पे क्लिक करेंगे, ये चौथा पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों कितने कॉलम में वाले टेबल में डिवाइड करना है, तीन कॉलम वाले, तो यार तीन टाइप कर देंगे कॉलम में। ठीक है, और दोस्तों अब आपको ये सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोमा से सेपरेट कर देता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर सिंबल है उससे भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब भी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए आप कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। तो कोमा को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो आप देखेंगे तीसरे नंबर का जो पैराग्राफ है वो तीन कॉलम वाली टेबल में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी प्रशंसा शब्द आया है उसे डबल स्ट्राइक थ्रू कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप होम पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपको प्रशंसा टाइप करना है। ठीक है, ये टाइप करने के बाद में आपको
फाइंड इन करके मेन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी प्रशंसा वर्ड है, ये देखो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से। इसको आपको करना क्या है, इसको आपको करना है डबल स्ट्राइक थ्रू। इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉन्ट को यहाँ से ऑन करेंगे और डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये प्रशंसा वर्ड है, ये डबल स्ट्राइक थ्रू में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। पहले पैराग्राफ में करेक्टर स्केल 33% व लोअर 3 पॉइंट कीजिए। पहले पैराग्राफ में, तो पहले पैराग्राफ में जाएंगे। ये पहले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैं फॉन्ट को ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद मैं करेक्टर स्पेसिंग पे क्लिक करूंगा, कितने परसेंट करना है, 33%, 33 पे कर दूंगा। ठीक है, और लोअर 3 पॉइंट करना है तो नॉर्मल की जगह कर देंगे, सॉरी यहाँ पे लोअर सेलेक्ट करेंगे पोजिशन में। और कितना करना है आपको, 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट करके इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये पहला पैराग्राफ आपका इस तरीके से हो गया, जिसके अंदर 33% तो करेक्ट स्पेसिंग हो गई और लोअर 3 पॉइंट सेट हो गया। 15वां क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ का फॉन्ट रंग पीला कीजिए। ये पहले पैराग्राफ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और फॉन्ट कलर यहाँ से पीला कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों पीछे इसी तरीके का इफेक्ट लगा हुआ है, इसलिए विजिबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि पीले में पीले कलर, पीला कलर दब गया। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, टेबल में तीसरी रो व दूसरे कॉलम से संबंधित सेल को लाल रंग की शेडिंग प्रदान करिए। ये मेरी टेबल है, ठीक है दोस्तों, हाँ ये टेबल है। इस टेबल के अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन, तीसरी रो 1 2 3, ये तीसरी रो है, और दूसरे कॉलम, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है दोस्तों, से संबंधित सेल को लाल रंग से शेडिंग प्रदान कीजिए। तो आप डिजाइन में जाएंगे, सेटिंग पे जाएंगे, या कौन सी सेटिंग देनी है, लाल रंग, ठीक है दोस्तों। तीसरी कॉलम, सॉरी तीसरी रो 1 2 3, और सेकंड कॉलम यहाँ पे लाल रंग से सेटिंग अपन ने दे दी है। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में पहले पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप, बाकी का पोर्ट्रेट कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ऐसा करना है, आप पहले पेज के लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में आने के बाद में आपको करना क्या है, आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और इसको पेज को सेक्शन ब्रेक कर देंगे। सेक्शन ब्रेक करने से क्या होगा, फर्स्ट वाले पेज का ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप कर दोगे और बाकी के पोर्ट्रेट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट वाले लैंडस्केप हो गए और बाकी के पोर्ट्रेट हो गए। इस तरीके से आप इफेक्ट आप पेज पे डाल सकते हैं। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, दूसरे पैराग्राफ में इन मार्जिन ड्रॉप कैप लगाइए। दूसरे पैराग्राफ में, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पैराग्राफ है। इन मार्जिन लगाने के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे, इन मार्जिन ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे, इन मार्जिन ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों किसी लाइन के बारे में बात नहीं हुई है, तो आप डायरेक्ट यहां से ड्रॉप कैप कर देंगे। 19वां क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग चौथे पैराग्राफ पर अप्लाई करिए। तो पहले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए पहले पैराग्राफ में थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर उठाएंगे, और कहाँ अप्लाई करना, चौथे पे 1 2 3, और ये 4, ये चौथे पे अप्लाई कर देंगे, ये 4, ठीक है, यहाँ जाके इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट पर 3 पॉइंट की ट्रिपल बॉर्डर लगाना है डॉक्यूमेंट पर। तो आप क्या करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद में आप कितनी लगानी है, ट्रिपल ट्रिपल क्लिक कर देंगे, बस ट्रिपल बॉर्डर लगानी है आपको, ओके कर देंगे। तो आप देखिए डॉक्यूमेंट में ट्रिपल बॉर्डर लग जाएगी इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, पांचवें पैराग्राफ को लाल रंग में आउटलाइन इफेक्ट दीजिए, पांचवें पैराग्राफ को। तो 1 2 3 4 5, ये पांचवें पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, होम पे क्लिक करूंगा, फॉन्ट को ऐसे ऑन करूंगा, ठीक है दोस्तों, फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, आउटलाइन इफेक्ट देना है, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए, लाल रंग का। तो यहाँ पे जाके मैं लाल रंग पे क्लिक कर दूंगा, आउटलाइन सेलेक्ट कर लूंगा, ओके कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका पांचवा पैराग्राफ आउटलाइन इफेक्ट में हो गया रेड कलर से, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज पर सांगवान एकेडमी हेडर दीजिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हेडर पे क्लिक करेंगे और एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे। एडिट हेडर पे क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है, डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करके
डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देंगे दोस्तों। तो देखो फर्स्ट पेज का हेडर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे टाइप करना आपको सांगवान एकेडमी, तो यहाँ पे क्लिक करके सांगवान एकेडमी टाइप कर देंगे हिंदी का फॉन्ट लेके। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जाके हेडर को बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, देखिए दोस्तों सांगवान एकेडमी इस तरीके से टाइप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए, देखिए दोस्तों ये फर्स्ट वाला पेज है, ठीक है, ये सेकंड पेज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हर शब्द को हाईलाइट व बोल्ड कीजिए। तो आपको करना क्या है कि डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ हर शब्द आ रहा है वो उसको पहले फाइंड करना है। तो होम पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको हर को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मेन डॉक्यूमेंट कर देंगे। मेन डॉक्यूमेंट करते क्या होगा कि डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी हर शब्द है, ये देखिए दोस्तों ये आपका पूरा पूरा डॉक्यूमेंट है, जहाँ जहाँ भी हर शब्द हो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। उसको सबसे पहले तो आपको बोल्ड करना है, ये बोल्ड कर दिया मैंने, और उसको हाईलाइट करना है, ये हाईलाइट होगा। देखिए दोस्तों हाईलाइट भी हो गया और बोल्ड भी हो गया इस तरीके से। 24वां क्वेश्चन है, पांचवें पैराग्राफ का हैंगिंग इंडेंट 0.4 कीजिए, पांचवें पैराग्राफ का। तो इसके लिए आप पांचवें पैराग्राफ पे जाएंगे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है दोस्तों, ये फोर्थ है, ये पांचवा। पांचवें पैराग्राफ को यहाँ से आप पांचवें पैराग्राफ पे आ जाएंगे, ये पांचवा पैराग्राफ है दोस्तों। उसको आपको करना क्या है, हैंगिंग इंडेंट 0.4 करना है। तो इसके लिए आप पैराग्राफ को यहाँ से ऑन करेंगे, स्पेशल में जाके हैंगिंग कर देंगे, और 0.4 करना है तो 0.4 करके ऐसा जैसे ओके कर दें। तो आप देखेंगे कि हैंगिंग इंडेंट 0.4 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, दस्तावेज के अंत में एंड नोट में सरकारी नौकरी होनी चाहिए इंसर्ट करना है। तो आपको कहीं पर भी, आपको एंड नोट लगाना है जो सबसे लास्ट में शो होना चाहिए, ठीक है, दस्तावेज के अंत में शो होना चाहिए। तो इसके लिए आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में आप रेफरेंस पे क्लिक करिए, और यहाँ से ऑप्शन आता है इंसर्ट एंड नोट, ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करिए, और सबसे लास्ट में आ गए आप। यहाँ पे टाइप करना आपको सरकारी नौकरी होनी चाहिए दोस्तों, ऐसे हिंदी का फॉन्ट ले लेंगे। सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ये यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखिए दोस्तों, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट के सबसे अंत में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इस तरीके से आप एंड नोट के अंदर टाइप कर देंगे। तो दोस्तों ये था LDC एफिशिएंसी हिंदी टेस्ट सीरीज का 8वां वीडियो। इसी तरीके से चैनल पे और नए एफिशिएंसी के वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।